हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई मीनाक्षी, प्यार से आप मुझे मान्या भी बुला सकते हो। तो गाइस, आज जो मैं आई मेकअप ट्यूटोरियल आपको बताने जा रही हूँ, वो आप सूट साड़ी लहंगा किसी के साथ में भी आप इजीली अप्लाई ये वाला आई मेकअप कर सकते हो। तो ये वाला आई मेकअप कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आप पूरा मैं आपको बताने जा रही हूँ। मेरे वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से लास्ट तक पूरा का पूरा देखना। और ये जो साइड बर्न मैंने किया है, इसका भी मैंने शॉर्ट वीडियो डाला है, आप देख सकते हो कि ये साइड बर्न आप बिल्कुल 5 मिनट में कैसे कर सकते हो। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा देना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले मैंने मेविन का एज रिवाइंड कंसीलर अपने आईज के ऊपर अप्लाई किया है, और अब मैंने न्यू आई शेडो पैलेट लिया, जिसमें मैं अर्थी ब्राउन शेड अपनी क्रीज लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। इस आई शेडो का नाम क्या है इसका मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये काफ़ी पुराना आई शेडो लोकल ब्रांड का है मेरे। तो अब मैं अपनी आईज के ऊपर कट क्रीज की शेप दे रही हूँ। मैंने सेम मेबिन का एज रिवाइंड कंसीलर यूज़ किया है। अब मैं आई मैजिक पैलेट में से लाइट सा स्किन कलर का शेड ले रही हूँ अपनी आईलिड्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए, क्योंकि गाइस हमेशा लाइट शेड इनर कॉर्नर पे और डार्क शेड आउटर पे लगाया जाता है। अब मैं डार्क पर्पल शेड ले रही हूँ। तो ये वाला स्टेप आप ध्यान से देखना कि मैं कैसे एकदम अलग सा ये आई मेकअप कर रही हूँ। तो ध्यान से देखना ताकि आपको पता चल जाए इसको कैसे अचीव करना है। गाइस, हर तरह का आई मेकअप एक आर्ट होता है, तो जब आप केयरफुली आराम से देखते हो तभी आपको पता चलता है कि कौन सा आई मेकअप कैसे किया जाए। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि वीडियो स्किप मत किया कीजिए, पूरा देखिया कीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आई मेकअप फेस मेकअप कैसे आपने करना है। तो मैंने हाफ एंड हाफ ब्लशर पैलेट में से सिल्वर टोन का हाईलाइटर लिया है, जो मैं अपनी ब्रो बोन पर लगा रही हूँ। लैक्मे का आईलाइनर मैंने यूज़ किया है, पिनअप लाइनर लगाऊंगी, ज़्यादा विंग नहीं दूंगी। निक्स का मैंने काजल लिया है। गाइस, वैसे ये वीडियो मैंने काफ़ी 13-14 दिन पहले मैंने शूट किया था, बट किसी रीज़न की वजह से मैं इसको अपलोड नहीं कर पाई थी, तो आज अपलोड कर रही हूँ। गाइस, अगर आपको आवाज़ कोई ऐसे आ रही हो जैसे बाहर से, तो प्लीज इग्नोर करना, क्योंकि गर्मी हो गई है। तो एसी रूम में बैठी हूँ, तो वो वाला रूम मेरा बिल्कुल एक गली के साइड पे है, तो आवाज़ें आती हैं लोगों की, बाइक्स की, प्लीज़ इग्नोर। तो मैंने गार्नियर का रिमूवर लेकर, मेकअप रिमूवर लेकर मैंने जितना फॉल आउट था उसको रिमूव किया। फिर मैंने मामा अर्थ का मॉइस्चराइजर लगाया। अब मैं मेबलिन की फाउंडेशन लगा रही हूँ, सुपर स्टे फाउंडेशन, इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। बड़ी अच्छी फाउंडेशन है, वो न्यूड शेड है। NYBA के मैंने कंट्रोल स्टिक ली है, अपने फेस को अच्छा सा डायमेंशन देने के लिए मैं कंट्रोल स्टिक यूज़ कर रही हूँ। ये NYBA की एकदम बटर की तरह ये ग्लाइड करती है फेस पे। गाइज, मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर से मर्ज कर रही हूँ कंटूर लाइन को। आप चाहो तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज मैंने जैसे एक ट्यूटोरियल बनाया था, आप अपनी फिंगर से कैसे कंटूर कर सकते हो, तो वो बड़ा वीडियो भी आप देख सकते हो। हाफ एंड हाफ का मैंने ब्लशर पैलेट लिया। अब मैं अपनी चीक पे लाइट पिंक शेड लेके अप्लाई कर रही हूँ। गाइज, मैं जो भी वीडियो शूट करती हूँ मैं बाहर सनलाइट में करती हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि मेकअप जो है नेचुरल लाइट में कैसा लगता है। देखिए, मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करती हूँ, तो मेरी वीडियो को प्लीज़ आप ज़रूर लाइक कर दिया कीजिए, समटाइम आप भूल जाते हो।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट भी कर दिया करो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दिया करो। मिस क्लियर का मैंने आईब्रो पैलेट लिया है। अब मैं अपनी आईब्रोज को डिफाइन करूंगी इससे। स्विस ब्यूटी का मैंने लिप लाइनर लिया है, इसका भी मैंने रिव्यू किया हुआ है जो मैं पूरे लिप्स पे अप्लाई करूंगी, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो गाइज ये है मेरी फाइनल लुक। आपको मेरा आज का मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाना, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर देना। जल्दी मैं आऊँगी एक और अच्छा मेकअप वीडियो लेके आप लोगों के साथ में। गाइज मैं जो शॉर्ट वीडियो डालती हूँ वो भी देखा कीजिए, उस पर भी मैंने काफ़ी अच्छे मेकअप के हेयरडू के ट्रिक्स बताए होते हैं। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा देना। टेक केयर गाइस, बाय, लव यू।